नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। लालकुआ में इंडस्ट्री के मुख्य गेट पर आधा दर्जन ट्रक और परिचालकों ने कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए स्टोन संचालन के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ ही स्टोन संचालन पर शोषण और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्होंने स्टोन स्वामी के नाम पर एक ज्ञापन भी दिया। और वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद मसूरी में सनसनी फैल गई। मसूरी के बालाघाट में एक नेपाली मूल के 32 वर्षीय युवक ने अपने ही परिवार की 7 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म को अंजाम देकर फरार हो गया था। पुलिस ने शख्स को हिरासत में लेकर जेल भेजा। चमोली में सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, कांच की बोतल फेंकी गई थी, यही वजह है कि पुलिसकर्मियों को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री ने मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं, जिससे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांच की बोतलें फेंकी, प्लास्टिक की बोतलें फेंकी, तो ये फेंकने के बाद जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और ये सारी चीजें गृह मंत्रालय की है। PWD ने कहा सड़क की स्वीकृति पहले ही हो चुकी है, लेकिन डेडलाइन की स्वीकृति के लिए जो मानक है वो मानक पर खड़ी नहीं है, इसलिए डेडलाइन की स्वीकृति नहीं हो सकती, क्योंकि 361 जो उसका मानक है वो 8000 चाहिए, 5000 से 8000, 6000 से 8000 के बीच में वो 361 उसका रहता है। ये PWD का बयान है। सरकार ने दोनों के बयान के आधार पर तत्काल निर्णय लिया कल ही कि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और वहीं उत्तराखंड की सहकारिता विभाग की ओर से किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने के बाद अब महिलाओं को भी ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने की योजना तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, इसके लिए 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 1000 महिला समूह को 5-5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 107 महिला समूह को ब्याज मुक्त ऋण बांटेंगे। इसके साथ ही राज्य की सभी 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम लोग कॉपरेटिव विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री जी 160 महिला ग्रुपों को यहाँ से जो है 5 लाख रुपए बिना ब्याज के ऋण देने के मंजूर करने वाले हैं। 10,000 महिला समूह को हम पूरे प्रदेश में ऋण देंगे और सभी विधायक और सभी सांसद अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को करेंगे। और ये कार्यक्रम हमने 20 मार्च से लेके और 30 मार्च के बीच में रखे विधानसभा। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल पर कांग्रेसी नेताओं ने सौंदर्यीकरण के नाम पर निगम के भवन का भाजपाकरण करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मेयर ने भाजपा नेताओं को खुश करने के लिए निगम के भवन पर भाजपा नेताओं के चित्र बनवाए हैं, जिससे सौंदर्यीकरण के नाम दिया जा रहा है, जबकि प्रस्ताव में मात्र सौंदर्यीकरण कराने की बात रखी गई थी, ना कि चित्र बनाने की। इसी से नाराज कांग्रेसियों ने निगम पहुंचकर जमकर नारेबाजी की है और काम को रुकवा दिया। पौड़ी श्रीनगर रोड पर हो रहे गुलदार द्वारा घायल करने की घटनाओं को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि 15-16 दिन के अंदर ही गुलदार ने 2 लोगों को घायल कर दिया है। यहां गुलदार कई लोगों के पीछे भागा है, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए इसके लिए ग्रामीण जिलाधिकारी से गुहार लगाने पहुंचे थे, जिसके बाद जिलाधिकारी ने साफ तौर पर यह बात कह दी कि जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ लिया जाएगा। गडोली मोटर मार्ग के ऊपर जो वन क्षेत्र में जो गुलदार का आतंक है, उसको काफी घटनाएं हो रही हैं, उसको देखते हुए वन विभाग से हम लोग जो है पिंजरा लगाने के लिए वहाँ पे अनुरोध करेंगे। साथ में अन्य तरीके से उसमें अगर उस गुलदार की पहचान हो सकती है और अगर मैनेटर का श्रेणी में उसको चिन्हित किया जा सकता है, उसके लिए भी विभागीय स्तर पर हम कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करेंगे। और वहीं पौड़ी शहर के नए बस अड्डे के समीप देर रात 20 लोगों ने मिलकर जेसीबी मशीन से दुकान को तोड़कर डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित जिलाधिकारी आवास में होमगार्ड की ड्यूटी करता है। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि जिन लोगों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, उनके द्वारा पहले भी धमकाया जा चुका है। आरोपी उसी मोहल्ले का निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।